सीएम के फरमान के बाद अफसरों ने रैन बसेरे को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। कन्नौज के जिलाधिकारी जिले में संचालित रैन बसेरों का हाल जानने के लिए अंधेरा होने के बाद निकले। उन्होंने दो रैन बसेरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ हमारे मुख्यालय पर तीन जगहों पर रैन बसेरा बना हुआ है। एक डूडा से विनोद दीक्षित हॉस्पिटल में बना हुआ है, एक रैन बसेरा हमारा रोडवेज पर बना है और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाया गया है। तो हमने रोडवेज और विनोद दीक्षित पे बने दोनों रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रोडवेज पे जो हमारा रैन बसेरा बना उसमें एक तो बेडशीट नहीं लगी थी, हमने निर्देश दिया कि बेडशीट लगाई जाए और उसको नियमित रूप से बदला जाए और साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी की जाए। जो हमारा विनोद दीक्षित में बना हुआ है ये रैन बसेरा हमारा अच्छा है, इसमें 4-5 लोग रह रहे हैं और 50 लोगों की इसमें व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी उपलब्ध है, सारी चीज़ें वहाँ ठीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार ठंड से बचाव के लिए विशेष फरमान जारी किए हैं। खासकर निराश्रित बुजुर्गों व रात में किसी कारण बस व रेलवे स्टेशन के पास रुकने वाले गरीब यात्रियों के लिए आश्रय स्थल संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम के कड़े निर्देश के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा देर रात सरायमीरा व विनोद दीक्षित अस्पताल में संचालित रैन बसेरे पहुँचे। यहाँ उन्होंने साफ गद्दे, तकिए और चादरें रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रैन बसेरों में रुकने वालों को होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।